बायोलॉग फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 7 कुछ घंटों में ड्रॉप होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उड़ती उड़ती कुछ खबरें पता चली हैं, जिसको सुलझाने के लिए एपिसोड 7 के प्रोमो की भी मदद लगेगी। और इस वीडियो में दो मेन कैरेक्टर जो फ्रॉम सीजन 3 की कहानी पलटने वाले हैं उनकी ही बात करेंगे, यानी फातिमा एंड एलजिन की, क्योंकि कनेक्शन है बाबा, सॉलिड कनेक्शन है इन दोनों का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही स्पॉइलर अलर्ट, ये वीडियो आपका फ्यूचर शो के लिए मजा खराब कर सकती है, तो जिसे यहाँ पर रुकना है वो रुक सकता है बाबा। बाकी शुरुआत करते हैं। प्रोमो में हमने देखा एलजिन कैमरे की फोटो की मदद से सेलर एंड इसके बेसमेंट तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ ये किससे मिलने वाला है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि ये किससे मिलने वाला है, किमिनो वुमन, जो इससे बार बार हेल्प मांग रही है। लेकिन 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 फिर से बोल रहा हूं, आप मेरी बात का यकीन मत करना, इसे र्यूमर ही मानकर चलना। अगर ऐसा हमें कुछ मिल जाता है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मजे ले लेंगे। बाकी उड़ती उड़ती ये बात पता चली है कि किमिनो वुमन इससे हेल्प मांगने के जाल में इसे फंसा रही है, जो अपना काम करवा सके, क्योंकि किमिनो वुमन हेल्प कर रही है मॉन्स्टर क्रिएचर्स की उन्हें और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और इस प्रोसेस में हमें यह भी पता चल सकता है कि जो एक्चुअल मॉन्स्टर क्रिएचर हैं, इनका आखिर जन्म कैसे हुआ है, ये आखिर बने कैसे हैं। तो मे बी हमें एपिसोड 7 में मॉन्स्टर क्रिएचर फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, अब इतनी बात खुली गई है और ये जन्म जन्मों वाली बात चल ही रही है, तो बाबा फातिमा का क्या हाल है? पिछले एपिसोड में तो अल्ट्रासाउंड मशीन ने क्लियर कर दिया कि कोई बेबी नहीं है, यानी फातिमा प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अल्ट्रासाउंड मशीन ह्यूमन टिश्यूज, ह्यूमन सेल्स से बनी चीजें ही डिटेक्ट कर सकती है, ना कि कुछ और, जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है इसी के तहत, क्योंकि बाबा पता चला है कि फातिमा प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके पेट में सच में इविल मॉन्स्टर है, जो आगे ये बताने वाला है या फिर ये आइडिया देने वाला है कि यहाँ ये इमोर्टल टाइप मॉन्स्टर क्रिएचर जो बने कैसे हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मविले टाउन है, इसका भी खुलासा होने वाला है कि ये बहुत बहुत पुराना टाउन है, और ये सारी घटनाएं यहाँ बहुत पहले से होते आ रही है। अब मैं आप लोगों से एक बात फिर कहूँगा, ये सब लोग आप एक र्यूमर मानकर ही चलना, मेरी बात का बिल्कुल यकीन मत करना। और भोले भटके हमें ऐसा कुछ मिल भी जाता है एपिसोड 7 या फिर एपिसोड 8 में, तो फिर खुद को सावासी दे देना कि मेकर साले ये तो हमें पता ही था, मूड दिया तेरे सस्पेंस में। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज, आगे जाकर एलजिन और फातिमा का कुछ कनेक्शन सेट होते नजर आएगा, वो मे बी 8th एपिसोड में या फिर 7th एपिसोड के लास्ट में, जहां किमिनो वुमन मे बी एलजिन को ब्रेनवॉश करेगी कि फातिमा को यहां सेलर बेसमेंट तक लेकर आओ, और उसे बातें पढ़ाएगी कि इसी में सबका भला होगा और तुम सब लोग भी यहाँ से आज़ाद हो जाओगे, यानी घर को चले जाओगे। अच्छा, ये आप लोग बताओगे कि किमिनो वुमेन को भला फातिमा क्यों चाहिए होगी, वो क्या करेगी फातिमा का? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, देखे जरा तुमने कितने क्लोजली इस शो को देखते आ रहे हो। बाकी अभी बहुत सी थ्योरीज और हैं, जिन पर फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 7 के रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी नीचे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स पर, ऐसी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता थी तो वो भी जरूर बता के जाना, और कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ पता हो आप लोगों को तो बाबा जरूर शेयर करके जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सपोर्ट में बिल्कुल भी कमी मत करो। तो फिर तुम अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर सकते हो, हेल्प मी टू रीच मोर सब्सक्राइबर, और इस साल के अंत होते होते कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर तो होनी चाहिए। मिलते हैं बाबा नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।